जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद, राणा इम्तियाज जिंदाबाद, राणा इम्तियाज जिंदाबाद, राणा शहबाज जिंदाबाद, राणा शहबाज जिंदाबाद, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, शहजादा महबूब सुल्तान आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, राणा शहबाज जिंदाबाद, राणा शहबाज जिंदाबाद, राणा इम्तियाज जिंदाबाद, कट कर लेना। पांच मिनट बाद खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलीम जो चौधरी हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं पंजाब टाइम। इस वक्त मैं कलमा चौक अहमदपुर सियाल पे मौजूद हूँ, जहाँ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए आज मुजाहरा किया जा रहा है। राणा शहबाज अहमद खान साहबजादा अमीर सुल्तान साहबजादा महबूब सुल्तान की हिदायत पर आज ये मुजाहरा किया जा रहा है कलमा चौक पर। और राणा इम्तियाज़ अहमद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और राणा शहबाज अहमद खान साहब के बड़े भाई साबिक सिटी नाजम अहमदपुर से आज इसकी क्यादत कर रहे हैं, राणा वकार असगर साहब इसकी क्यादत कर रहे हैं, राणा इमरान सरवर साहब दीगर जो शख्सियात हैं वो आज इस मुजाहरे की क्यादत कर रहे हैं। मेरे साथ राणा साहब मौजूद भी हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मुजाहरों का ये सिलसिला शुरू हो चुका है, कब तक जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाल्लाह ताला जी इमरान साहब, इमरान खान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप सब लोगों ने सुनी है। उन्होंने हमें हदायत दी है कि जब तक ये तीन आदमी जो उन्होंने एफआईआर में नामज़द किए हैं वो अपने ओहदों से हटाए नहीं जाते, उस वक़्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान के लिए कट मरने के लिए तैयार हैं। हर किस्म का जितनी भी हमें सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ी हम करेंगे। हमारे कायद ने साबित किया है कि लोगों के जम्मे गफीर में उस पर गोलियाँ बरसाई गईं, लेकिन हम फिर भी वो इस शदीद ज़ख्मी हालत में भी लोगों को सलाम करके गए हैं। हम उनके मोतकिद हैं और उनके पीछे। ये मुजाहरे रोज़ाना की बुनियाद पे करना पड़ते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पे भी आप करते रहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला जी ये हम आज का लायमल है, इंशाल्लाह अब हम 72 घंटे के लिए बिल्कुल ये सड़कें बंद कर देंगे और 72 घंटे में इधर कोई चीज़ ना चलने देंगे, ना इधर हमारे लीडरान का हुक्म है कि ये ट्रैफिक अब 3 दिन बंद रहेगी। 3 दिन आप बंद कर देंगे, इसके बाद जो के लिए बंद करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसके बाद नया लायमल जो हमें पार्टी क्यादत देगी उस पर के मुताबिक हम फैसला करेंगे। पसंद तरीके साहब तहसील अहमदपुर सियाल के सदर राणा वकार असगर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। राणा साहब, क्या हिकमत अमल इस वक्त अपनाई जा रही है पार्टी के जो ग्रास रूट लेवल की तंजीम है उसमें, बिलखसूस तहसील अहमदपुर सियाल की जो तंजीम है, क्या हिकमत अमली अपनाने जा रही है अब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। बाकी बात हमारी इस हद तक नहीं है कि ये इमरान खान की बात नहीं है, ये किसी शख्सियत की बात नहीं है। इदारे हमारे अपने हैं, इदारों की जो तौकीर है वो हमारी तौकीर है, इदारों की बेतौकीरी हम किसी को ना करने देंगे ना हम इस चीज़ का कभी सोच सकते हैं। किसी शख्सियत से इख्तलाफ हो सकता है, उसकी ज़ाती सोच से इख्तलाफ हो सकता है, उसकी मुल्क दुश्मन सोच से इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन किसी इदारे से ये हमारे ख्वाबो ख्याल में ना हमारा लीडर सोचता है, ना हमारी तंजीम सोचती है, ना हम कभी ख्वाब में भी ये सोच सकते हैं। जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत करने जा रही है कि जी हमारा इदारों के साथ तसादम कराएंगे, ये इनकी सोच है। इदारे हमारे हैं और इदारों के साथ हमारी मोहब्बत और प्यार हमेशा है और रहेगा। बाकी रही हमारी ये हड़ताल के हवाले से, तो ये जो गिलौनी हरकत की गई है इमरान खान साहब पर हमले की, इसकी हम इंशाल्लाह पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह हम आए हर रोज़ मुख्तलिफ मकामात पर तहसील अहमदपुर सियाल में हम एहतजाज भी करेंगे और ट्रैफिक भी बंद की जाएगी जब तक जो असल मुजरम है, जो इस किरदार के पीछे खड़े हैं, उन लोगों पर एफआईआर नहीं होती, वो अपने ओहदों से मुस्ताफी नहीं होते। नायब सदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद है मेरे साथ तहसील अहमदपुर सियाल के, राणा इमरान सरवर, उनसे पूछेंगे। कल भी आपने मुजाहरा किया, आज फिर किया है, अगर रोजाना की बुनियाद पर भी करना पड़े तो कहीं हिम्मत तो नहीं हारने लगे? नहीं नहीं, कभी भी हिम्मत नहीं हारने वाले, हमारे लीडर नहीं हिम्मत हारने वाले, हम कहाँ से हारेंगे। आप देख लें इमरान खान, राणा शहबाज साहबजादा अमीर सुल्तान साहबजादा महबूब सुल्तान, सबसे पहले इन्होंने इस्तीफे दिए, सबसे पहले। तो इंशाल्लाह हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं,
जैसे राणा इम्तियाज़ साहब ने कहा है 72 घंटे के लिए हम लॉकडाउन करेंगे और इंशाल्लाह होएगा और पूरा पाकिस्तान जाम होएगा जब तक इमरान खान के जो असल मुल्ज़िम है वो नहीं पकड़े जाते उन तक। इम्तियाज़ साहब की तरफ एक दफ़ा फिर आऊँगा। आमतौर पर यह होता है कि पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो ज़रा साइड पर रहते हैं पस मंज़र के अंदर, वर्कर्स जो हैं वही धरने देते हैं, वही जलसा करते हैं, वही जुलूस करते हैं, तो यहाँ राणा शोबाज साहब क्या ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे या आप हर अव्वल दस्ते के अंदर शामिल होंगे? देखें जी, ये PTI हर एक इस जमात में वर्कर है, हर एक इसमें लीडर है। हम सब की काज एक ही है कि जो हमारे कायद के साथ ज्यादती हुई है हम अपने कायद की इस ज्यादती के अजाले के लिए निकले हैं। इंशाल्लाह ताला महबूब सुल्तान साहब, अमीर सुल्तान साहब और राणा शहबाज लाहौर गए हुए हैं, एक अजलास भी जारी है और दूसरा इमरान साहब की सेहतयाबी के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनकी खबर लेने के लिए वो इंशाल्लाह परसों हम एक बहुत बड़ी अपने हलके में एक रैली का भी इनकाद करेंगे और उसमें तकरीबन हम 12 बजे दरबार सुल्तान बाहू से शुरू करेंगे और पूरे हलके में हम अपनी ये रैली लेकर फिरेंगे और तमाम इलाके को अपने साथ लेके चलेंगे और हमारे सारे दोस्त उसमें शामिल होंगे इंशाल्लाह ताला। इमरान खान की ये जंग नहीं है, ये हमारी अपने बच्चों के लिए ग़ुलामी से नजात लेने के लिए हमने ये जंग लड़नी है और हम अकेले नहीं, सारे हर कोई घर घर से निकलेगा। इम्तियाज़ साहब की आपने दुबंग ऐलान भी सुना, उनके गुफ्तगू सुनी, उनका यह कहना था कि ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं है बल्कि ये जंग पूरी आवाम की है, हकीकी आज़ादी की जंग है, वो लड़ेंगे साहबजादा महबूब सुल्तान, साहबजादा अमीर सुल्तान, राणा शहबाज अहमद खान भी परसों जो है वो यहाँ होंगे, बड़ी रैली यहाँ से निकाली जा रही है और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा कि जब तक इमरान खान साहब की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुतालबात पेश किए गए हैं वो जब तक पूरे नहीं हो जाते ये सिलसिला रहेगा, लॉकडाउन भी होगा, रोड भी ब्लॉक होंगे। उनका ये कहना था कि पार्टी की क्यादत कारकुनों के साथ होगी बल्कि हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगी।